पिहोवा को मिलने जा रहा है राष्ट्रीय स्तर का सरकारी स्कूल। कुरुक्षेत्र जिले में पिहोवा शहर धार्मिक और सांस्कृतिक तौर पर एक जाना माना नाम है। यह शहर आर्थिक तौर पर काफी अच्छा है और इसके साथ साथ शिक्षा में भी काफी अग्रिम रहा है। यह इलाका खुशहाल होने के साथ साथ काफी महंगा भी है और यदि शिक्षा के तौर पर जाना जाए तो यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करना हर किसी के बस की बात नहीं है। पिहोवा शहर व आसपास के इलाके में काफी अधिक प्राइवेट स्कूल हैं, परंतु इन प्राइवेट स्कूल की फीस इतनी भारी भरकम है कि आम आदमी इन स्कूल की फीस नहीं भर सकता। इस इलाके में जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वह अभी अभिभावकों को बिना रोक टोक के ज्यादा फीस ले रहे हैं, जिसके चलते बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया है। परंतु अब पिहोवा से 4 किलोमीटर की दूरी पर भेरिया गांव में एक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुलने जा रहा है, जो कि लगभग बनकर तैयार है और आने वाले 2-3 महीनों में आम जनता को सौंप दिया जाएगा। स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर जतिंदर पाल सिंह, जो कि खुद एक उच्च शिक्षा प्राप्त अध्यापक हैं, के प्रयासों से यह विद्यालय अपने तय समय से पहले ही बंद कर तैयार हो रहा है। जब प्रिंसिपल डॉक्टर जतिंद्र पाल से स्कूल के बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि यह हरियाणा में पहला ऐसा स्कूल होगा जहां पर राष्ट्रीय स्तर की हर तरह की सुविधाएं होंगी। हाँ जी, नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह है, मैं इस स्कूल में प्रिंसिपल हूँ। इस स्कूल का नाम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेरिया है। यह पेवा से 3 किलोमीटर कैथल की ओर है। सर, ये बताइए कि इस स्कूल में क्या क्या फैसिलिटी होंगी, क्या क्या मतलब इसमें विशेषताएं होंगी? यह स्कूल केवल कुरुक्षेत्र जिले में नहीं अपितु हरियाणा में ही एक अनोखा स्कूल है। यह नंबर एक तो यह 4 मंजिला है और इसमें अल्ट्रा मॉडर्न जो लैब है उस लैब की फैसिलिटीज है और हर एक रूम में एसी की फैसिलिटी है, सीसीटीवी कैमरा की फैसिलिटी है और माइक सिस्टम से जुड़ा हुआ सारा जो स्कूल है। तो प्रिंसिपल जो है अपने रूम में बैठ के वो सारे स्कूल की गतिविधियों को देख के स्कूल का संचालन कर सकता है। और यह इलाके की मांग थी कि यहाँ पे एक अच्छा स्कूल होना चाहिए। इसमें इस एरिया में यानी कि बहरिया में पहले गवर्नमेंट कॉलेज बन चुका है और अब गवर्नमेंट स्कूल बनने से यह एक बहुत बड़ा आने वाले टाइम में एक एजुकेशन हब बनने जा रहा है। सर, ये बताइए कि यहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए क्या फैसिलिटी है? यहाँ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ हरियाणा का एक ग्राउंड है जो स्कूल के साथ जुड़ा हुआ है और स्कूल उसका पूरा इस्तेमाल कर सकता है। तो बच्चों का जो टैलेंट है वो निखर के सामने आएगा। यहाँ पे कोच साहब हैं और अब भी जो हमारे बच्चे हैं वो 2 स्टेट खेल के खेलने जा रहे हैं। तो इस तरह से आने वाले टाइम में इस स्कूल का एक बहुत बड़ा योगदान होगा इस इलाके के गरीब बच्चों को ऊपर उठाने में।